हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अवैध रूप से धर्मशाला में संचालित मिठाई की दुकान से भारी मात्रा में मिठाई व नमकीन जब्त। 573 किलो मिठाई एवं नमकीन की जब्त। वैश्विक महामारी कोरोना COVID-19 कोरोना संक्रमण के दुष्प्रभाव से बचने हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 3 मई तक प्रदेश में लॉकडाउन प्रभावी है। लॉकडाउन में शहर के समस्त प्रतिष्ठान को पूर्णतः बंद करने एवं मिठाई व्यवसाय पर रोक लगा रखी है, लेकिन इसके बावजूद शहर में एक धर्मशाला में भारी मात्रा में अवैध रूप से मिठाई नमकीन को किया जब्त। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी योगेश आचार्य ने बताया कि आज सुबह 8:40 पर नगर पालिका कार्यालय में सूचना प्राप्त हुई कि मेन बाजार स्थित लक्ष्मी स्वीट्स होम सुमेरपुर द्वारा अग्रवाल धर्मशाला में अवैध रूप से मिठाई व नमकीन बनाकर व्यापार किया जा रहा है। नगर पालिका को जानकारी में आया था कि लॉकडाउन के दौरान कुछ व्यापारियों द्वारा अवैध रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का और लॉकडाउन की शर्तों का उल्लंघन करते हुए मिठाई तैयार की जा रही थी और उसका विक्रय होम डिलीवरी के रूप में न किया कर अपने प्रतिष्ठान से किया जा रहा था। पूर्व में भी इस प्रतिष्ठान को नगर पालिका द्वारा सीज किया गया था और पेनल्टी लेकर छोड़ा गया था, लेकिन संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा उस 5-7 दिन बाद पुनः कार्य शुरू किया गया और एक समाज की धर्मशाला में उनके द्वारा मिठाई बनाई जा रही थी, जहाँ हमें पुरानी और बासी मिठाई भी मिली जो कि लॉकडाउन जब हुआ था तब से आज तक पड़ी थी। हमने जब पहले सीज किया था तब इन्हें निर्देश दिए थे कि इन्हें विधिवत डिस्ट्रॉय करो, लेकिन उनके द्वारा डिस्ट्रॉय न कर रखा गया। और उसके अलावा भी लगभग 573 किलो मिठाई नगर पालिका को वहाँ मिली, जिसमें नमकीन भी थी, और तुरंत नगर पालिका द्वारा स्वास्थ्य विभाग को और प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई और स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसके नमूने ले लिए गए हैं और सैंपल लैब में भेज दिए गए हैं और मिठाई नगर पालिका द्वारा सीज करके प्रशासन को सुपुर्द कर दी गई है। जिस पर पालिका अधिशासी अधिकारी योगेश आचार्य के निर्देशन में गठित टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान धर्मशाला के अंदर मिठाई व नमकीन बनाई जा रही थी, जिसको मौके पर ही बंद करवा कर विभिन्न प्रकार की मिठाई नमकीन एवं भारी मात्रा में मावा जब्त किया गया। जब्ती में कुल 573 किलो मिठाई एवं नमकीन है। उक्त मिठाई एवं नमकीन की सैंपल जाँच हेतु खाद्य विभाग को भेजे गए व जिसकी जाँच प्रारंभ कर दी गई है। उक्त कार्रवाई में स्वास्थ्य निरीक्षक यशवंत परिहार, विपिन देवल, कुलदीप मेहरा एवं पालिका कर्मी विनोद चावरिया एवं मुकेश दत्ता, पारस राव, केशव प्रसाद, विनोद पटेल उपस्थित रहे। सुमेरपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।